नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आईएएस टॉपर रह चुकी टीना डाबी एक बार फिर से सुर्खियों में है और इसकी वजह भी बेहद खास है। दरअसल टीना डाबी शादी करने जा रही हैं। जी हां, उनकी शादी की शहनाई 22 अप्रैल को जयपुर में बजेगी। इस बात की जानकारी खुद टीना डाबी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने अपना हम सफर चुना है 2013 बैच के आईएएस ऑफिसर प्रदीप गवांडे को। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है टीना डाबी के होने वाले पति प्रदीप गवांडे। आईएएस प्रदीप गवांडे साल 2020 में चुरू कलेक्टर के पद पर तैनात रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में राजस्थान आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट में निदेशक हैं। उनका जन्म 9 दिसंबर 1980 को महाराष्ट्र में हुआ था। टीना डाबी से 13 साल बड़े प्रदीप गवांडे ने 2013 में सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। वो महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं। यूपीएससी परीक्षा में क्वालिफाई करने से पहले उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने औरंगाबाद से एमबीबीएस किया था। टीना डाबी ने पहले अतहर आमिर से शादी की थी। ट्रेनिंग के दौरान दोनों में प्यार हुआ और फिर साल 2018 में शादी कर ली। हालांकि ये रिश्ता किन्हीं कारणों से बहुत लंबा नहीं चल पाया, मसलन दोनों ने तलाक ले लिया। टीना और अतहर ने नवंबर 2020 में जयपुर के फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाकर एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया था, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी। अब टीना और प्रदीप ने शादी का ऐलान किया है। दोनों की शादी जयपुर में 22 अप्रैल को एक होटल में होगी। इससे पहले टीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मंगेतर प्रदीप के साथ अपनी फोटो शेयर की थी। यूपीएससी टॉपर टीना डाबी की बहन रिया डाबी भी आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने भी यूपीएससी 2020 परीक्षा में 15वीं रैंक हासिल की थी। इस पर टीना डाबी ने कहा था कि मेरी छोटी बहन ने मान बढ़ा दिया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि रिया ने यूपीएससी में शानदार सफलता हासिल की है। तो ये थी आईएएस टीना डाबी के होने वाले पति से जुड़ी पूरी जानकारी। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।